नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे युवाओं में मर्दानगी की समस्या को लेकर। गलत खान पान की वजह से या गलत दिनचर्या की वजह से हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और आजकल के युवाओं में तो प्रौढ़ व्यक्तियों में भी मर्दानगी की समस्या एक विकराल रूप धारण करती जा रही। लगभग 10 में से 8 व्यक्ति यौन समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त और बेहतरीन उपाय बताने जा रहा हूँ जो बेहद ही सस्ता और करने में भी बिल्कुल आसान है, और इसके बाद में आपको किसी डॉक्टर या हकीम के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से चना मर्दानगी बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि घोड़ा चना खाता है और कितना ताकतवर होता है, और चना खाने से आपकी मर्दानगी तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ यह सुंदरता निखारने में भी बेहद असरदार साबित होगा। दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई यौन समस्या का सामना करना पड़ता है और ज़्यादातर लोग अपनी कमज़ोर मर्दानगी को लेकर मर्दानगी बढ़ाने के उपाय ढूंढते रहते हैं, पर संकोचवश ना तो वे डॉक्टर के पास जाते हैं और ना ही अपने दोस्तों के साथ में इस तरह से बातें शेयर कर सकते हैं। इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि दोस्तों के बीच उनका मजाक न बन जाए। लेकिन यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आमतौर पर देखा जाए तो बाज़ार में मर्दानगी बढ़ाने के उपाय और कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं, लेकिन ये फ़ायदा करे ना करे यह बात अलग है। यह अपना साइड इफ़ेक्ट जरूर छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ जो आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिनसे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा भी बिल्कुल नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, चना बलशाली, वीर्यवर्धक और मैथुन शक्ति बढ़ाने में रामबाण है। आयुर्वेद में चने को वीर्यवर्धक और स्तंभन शक्ति बढ़ाने के लिए अचूक दवा माना जाता है। चने से नपुंसकता समाप्त करने के लिए रात को एक कटोरी में थोड़े चने भिगोकर रख दें और सुबह उन भिगे हुए चने के पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। इस प्रयोग से सालों पुरानी नपुंसकता खत्म हो जाएगी और मैथुन शक्ति में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। इस प्रयोग को आप कम से कम 10 से 15 दिन तक अवश्य रूप से करें। अगर आपका वीर्य पतला है या कम बनता है तो इसको आप चने के प्रयोग से दूर कर सकते हैं। अगर आपका शरीर कमज़ोर है तो निश्चित रूप से अपनी स्तंभन शक्ति कमज़ोर होती है और साथ में वीर्य की कमी भी होती है, तो इस तरह के लोगों को एक चीनी के बर्तन में रात में चने भिगोकर रख दें और फिर इन चनों को सुबह उठकर अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं। चने आपको अपनी पाचन शक्ति के अनुसार ही खाने, लगभग आपको 50 ग्राम चने का इस्तेमाल करना है। शारीरिक दुर्बलता से चने का प्रयोग आपको किस तरह से करना है यह भी आप जान लीजिए। 50 ग्राम के लगभग भीगे हुए या भुने हुए चने रोज 5 से 7 बादाम के साथ अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से आपका शरीर मजबूत होता है और आपकी यौन शक्ति में भी चमत्कारिक तरीके से बढ़ोतरी होती है। और इसे खाने के बाद आप ऊपर से 1 गिलास दूध अवश्य रूप से पी लें। ऐसा करने से आपका दुबला पतला बदन तंदुरुस्त हो जाएगा और आपकी मांसपेशियों में ताकत आ जाएगी और इससे पुट्ठे भी मजबूत होने लगेंगे। एक बात का ध्यान रखें, बादाम की गिरी भी आपको रात में पानी में भिगो देनी है और उसका आपको छिलका उतार करके ही खाना है। और एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना होगा कि आपको चने सिर्फ देसी ही लेने हैं, ना कि छोले वाले या फिर काबुली चने। अगर आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।